हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम करेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इसके पहले बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 13 तक अपलोड कर दिया है। आज बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ये एक्सरसाइज मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करिए और सीखिए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो आओ बच्चों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88 मीटर की ऊंचाई पर, एक लड़की है जो 1.2 मीटर की है और जमीन से 82 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों की स्थिति को देखती है। किसी भी क्षण आँख से, अब नीचे खड़ी तो गुब्बारा ऊपर ही दिखेगा, ये मान लेते हैं क्या है, यहाँ एक लड़की खड़ी है ऐसे और उसकी हाइट जो है 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है और कहा जा रहा है 82 कहाँ गया, ये 82 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में, 82 मीटर मतलब यहाँ से 82 मीटर जो हाइट है वहाँ तक, यहीं से मान लो ऐसे, ऐसी कोई ऐसा है ये, अब ये 1.2, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगी, ये इतनी ऊंचाई पर, ये कितनी है 88.2 मीटर, यहाँ पूरा ज़मीन से लेके है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है पूरी है बच्चों ये। अब इतनी ऊंचाई पर गुब्बारे को देखती है, अब तो पहली जब देखती है तो जब ऐसे देखती है तो पहली कंडीशन में 60 अंश होता है, तो 60 अंश बच्चों कैसे बनता है देखिए, 60 अंश कुछ ऐसा बनेगा ठीक, ये कितना है 60 अंश, थोड़ा मान लेते हैं कम, लाइन टेढ़ी है ठीक है, रफली डायग्राम है आपको समझना है, इसको ऐसे डॉट डॉट ऐसे मिला देना है, ये कितने डिग्री बनना है 60 डिग्री, ऐसे देखती है तो 60 अंश का कोण बनता है। फिर कहा जा रहा है उन्नयन कुछ समय बाद, कुछ समय बाद जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश घटकर हो जाता है, कितना उन्नयन कोण घटके 30 अंश बच्चों हो जाता है, देख ले 30 अंश ही है कुछ और है, हाँ 30 ही अंश है बच्चों, कितना है 30 अंश घटकर हो जाता है, ये 60 था फिर 30 हो जाएगा और 160 मीटर की, 88 मीटर पर ही वो गुब्बारे को देख रही है, यहाँ पर कोई गुब्बारे हैं लगे हुए हैं, यहाँ ये गुब्बारे इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तो हमें बताना है बच्चों इनके नाम दे देते हैं, इनकी कंडीशन कुछ ये मान लो ए बी सी डी ई, इसको ऐसे मिला दो। अब हमें बताना है इस दौरान अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ था गुब्बारा यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय की, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक कितनी दूरी तय की, इसको हमें निकालना है। तो बच्चों ये रहा हमारा डायग्राम, पहले लड़की की कितनी ऊंचाई 1.2 मीटर, वो भी ज़मीन से, अब इतनी ऊँचर खड़ी यहाँ से देख रहे हैं तो जितनी हाइट है वो तो माइनस करनी पड़ेगी, तो अब क्या करते, इतनी ऊंचाई 60 डिग्री में देख रही है, फिर घट के 30 डिग्री और ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर की ज़मीन से,
तो देखिए बच्चों क्या करते हैं, पहले तो हमें जो गिवन है वो निकाल लेते हैं। हमें निकालना पड़ेगा सी डी, सी डी हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि ज़मीन से 1.2 कम करना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे, सी डी, सी डी क्या हो जाएगी हमारी, सी डी हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2। अब अगर इसमें घटा देंगे तो क्या आएगा, 87 मीटर। ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 87 मीटर होगी। और वही ये भी होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो क्या होगी, 87 होगी, क्योंकि हाइट बिल्कुल सेम है, जो ये होगी वही ये होगी। तो ये आ गई, हमें दूरी निकालना है। तो इसको बच्चों मान लेते हैं कुछ बी सी है तो बी सी ही निकालना है, तो ये चीज़ निकालना है। तो अब क्या करेंगे, एक एक त्रिभुज लेंगे, ए या ए बी ई, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिखेंगे जो एंगल दिए गए उन्हें नोट करना है, तो नोट कर लीजिए एंगल दिया है ई ए बी बराबर दिया 60 डिग्री, और एंगल हमें दिया है डी ए बी डी ए सी, ये 30 डिग्री है इतना, तो ये 30 डिग्री यहाँ लिख लेंगे, डी ए सी 30 डिग्री। ये बच्चों 30 डिग्री लिख लिया। अब क्या करेंगे, पहले ये त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई, फिर क्या है बी और ए में। अब क्या लेंगे, टैन 60, टैन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है हमारी बी अपॉन बेस क्या है ए बी, ए बी लिख लिया। अब ए बी गिवन तो है नहीं इसमें, इसलिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर अब टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। बी कितना है हमारी, 87 अपॉन ए बी, तो ए बी बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, 87 अपॉन √3। अब अगर इसको रैशनलाइज कर दो, बाद में कर लेना, ये इक्वेशन एक बन गई। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा, डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए में कितने डिग्री लेना है, 30, तो टैन 30 डिग्री। अब हाइट वही होगी, कौन सी, सी डी अपॉन बेस क्या होगा इसका, ए सी, ए सी लिख लिया। तो अब टैन 30 का मान क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन √3। सी डी क्या है, 87, ए सी लिख लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए जरा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए सी का 1 से करेंगे तो ए सी हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो 87 √3, ये आ गया ए सी। अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए सी को क्या लिखेंगे पूरी को, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर 87 √3। अब ए बी हमारा क्या है, ये निकला हुआ है 87, ये इसको नोट कर लेंगे, 87 अपॉन √3 प्लस बी सी बराबर 87 √3। अब इसको उठा के उधर कर देंगे, क्या आ जाएगा, बी सी 87 माइनस रूट 87 √3, ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा अपॉन √3। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, इधर से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 √3 आ जाएगा, तो 87 × 3 माइनस 87 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 24
और 226 माइनस 87 अपॉन 3। अब इसको माइनस कर देते हैं बच्चों, रूट 3 था। अब क्या आया, बी सी इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 11 में 7 निकाल दिया, 4 यहाँ, 5 12 लेंगे, 15 8 7 15, यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन रूट 3। अब रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा 174 रूट 3 अपॉन 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 वन जा, ये क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। क्या आ गया हमारा बी सी, 58 रूट 3 मीटर। ये बच्चों आ गई हमारी बी सी। तो क्या आ गया, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई, 58 रूट 3। तो यहाँ लिख लेंगे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 रूट 3 मीटर। ये आ गया आंसर। ये बच्चों रहा क्वेश्चन नंबर 14। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दब प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। अब बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।